हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट थ्री। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसका इंटरचेंज करते हैं। दोस्तों अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। करेंगे क्या दोस्तों, इसमें जो एडजेक्टिव आया रहेगा उस एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, अपोजिट वर्ड में चेंज कर देंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दोस्तों राम एक अच्छा लड़का है तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या करेंगे हम, राम इज क्या करेंगे हम, नेगेटिव लेकर जाएंगे तो नॉट लगाएंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस गुड को चेंज कर देंगे अपोजिट वर्ड में, हो जाएगा क्या, अ बैड बॉय। राम एक बैड बॉय नहीं है, राम एक अच्छा लड़का है अफर्मेटिव सेंटेंस, राम एक बुरा लड़का नहीं है नेगेटिव सेंटेंस। हो गया दोस्तों ना, लेकिन इसका सेंस नहीं बदला, तो यही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि बिना सेंस बदले एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये पार्ट थ्री है दोस्तों, और जो भी छात्र या दोस्त मेरे पार्ट थ्री देख रहे हैं तो पार्ट वन और पार्ट टू जरूर देखें। तो राम इज अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ बैड बॉय, ठीक ना। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का नहीं है, फिर अच्छा ही लड़का है ना। अगला देखते हैं, शीला इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, दोस्तों क्या है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस जाएगा नेगेटिव में और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि इसको इसमें चेंज करते हैं और इसको इसमें चेंज करते हैं। तो शीला एक सुंदर लड़की नहीं है, तो शीला सुंदर लड़की नहीं है, तो दोस्तों कैसी लड़की है शीला, तो शीला इज अ एन अगली गर्ल, शीला एक अगली गर्ल है, ठीक दोस्तों ना। और देखते हैं, रेखा इज अ टॉल गर्ल, रेखा एक टॉल गर्ल है, लंबी लड़की है, जब लंबी लड़की है तो शॉर्ट लड़की नहीं है। रेखा इज नॉट अ शॉर्ट गर्ल, रेखा एक शॉर्ट गर्ल नहीं है, जब शॉर्ट गर्ल नहीं है तो फिर दोस्तों क्या है, वो टॉल गर्ल है। समझाया दोस्तों ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करके हम इंटरचेंज कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। करेंगे क्या दोस्तों, जो अफर्मेटिव सेंटेंस आए हुआ एडजेक्टिव रहेगा उस एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे अपोजिट वर्ड में चेंज कर देंगे, यानी उल्टे शब्द में चेंज कर देंगे और उसमें नॉट लगा देंगे, ठीक ना। चलिए कुछ अलग वाक्य देखते हैं। दोस्तों अगर सेंटेंस में ओनली आ जाए या एलोन आए, नन बट में, ओनली अ ब्रेव मैन कैन डू दिस वर्क, इस काम को केवल बहादुर आदमी ही कर सकता है। दोस्तों बहुत सारे आदमी है उस काम को नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, सिर्फ बहादुर आदमी काम कर सकता है। तो सिर्फ बहादुर आदमी काम कर सकता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, नन नन बट,
कोई नहीं, नन माने कोई नहीं, लेकिन आ ब्रेव मैन, यानी कि ओनली हमारा हट गया। तो क्योंकि ओनली का स्थान भी था, हम नन बट लिख रहे हैं, समझेगा, नन बट अ ब्रेव मैन कैन डू दिस वर्क, ठीक ना। और देखते हैं राम एलोन गॉट द प्राइज, राम अकेला ही नाम पाया, यानी कोई और नहीं पाया, सिर्फ राम ही नाम पाया, तो नन बट, नन माने कोई नहीं, लेकिन राम गॉट द प्राइज। दोस्तों यहां इसको देखें दोबारा, राम एलोन गॉट द प्राइज, राम अकेले ही नाम पाया। दोस्तों बहुत सारे बच्चे रहे होंगे क्लास में, मान लीजिए उसमें से सिर्फ राम नामक लड़का ही नाम पाया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नहीं लेकिन राम गॉट द प्राइज, इनाम पाया। ठीक दोस्तों ना, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। और हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस हमारे सेंटेंस में हम ये ध्यान देंगे कि ओनली या एलोन आए या दोनों आ जाए, तो दोनों एक वाक्य तो नहीं आएंगे, अलग अलग सेंटेंस में आएंगे, हम उसको चेंज करेंगे नन बट। ठीक दोस्तों ना, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे करें दोस्तों, और मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मैं मोटिवेट होता हूं, और मेरी इच्छा होती है कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो आप इसको जरूर करें। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों कभी कभी सेंटेंस में ऐसे वाक्य आएंगे, ऐसे शब्द आ जाएंगे, जैसे एज सुन एज सुन एज आई सा अ स्नेक, आई रैन अवे। एज सुन एज मैंने होता है जैसे ही मैं सांप देखा तो मैं भाग गया। दोस्तों जब एज सुन एज सेंटेंस आए, सेंटेंस में आए, और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, नो सुनर में चेंज कर देंगे। जैसे नो सुनर लेकर के आएंगे तो आपको डिड का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नो सुनर डिड आई और सा से हो जाएगा क्या, सी। दोस्तों जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो उसमें हेल्पिंग और डिड लेकर आओगे ना, तो क्रिया की हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो जैसे आप डिड लेकर आए हैं, ऐसे सा से सी हो गया अ स्नेक, कॉमा कॉमा के बाहर जैसा ये सेंटेंस है, क्लॉज है, उसको हम सेम ऐसे लिखेंगे, आई रैन अवे। ठीक दोस्तों ना, एक और देख सकते हैं आप, As soon as Ram saw the tiger, he began to run. जैसे ही राम ने टाइगर देखा वह भागने लगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, No sooner did राम सी द टाइगर देन का प्रयोग करेंगे दोस्तों यहां पर, सॉरी तो यहां सॉरी यहां दोस्तों देन का प्रयोग होगा, मैं छोड़ दिया हूं, देन का प्रयोग करेंगे, देन ही बिगेन टू रन। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हम यहां पे देन का प्रयोग करेंगे, सॉरी यहां पे मैं छोड़ दिया था, यहाँ देन आपको लगाना है, यहाँ भी आपको देन जैसे प्रयोग किया हूं मैं, जैसे आपको देन प्रयोग करना है। तो नो सुनर डिड आई डिड राम सी द टाइगर देन ही बिगेन टू रन। ठीक दोस्तों ना, एक और सेंटेंस देखते हैं अलग टाइप का,
I saw the red fort last month. Last month को मैं red fort देखा. तो दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते हो ना कि I did not fail. I did not fail. दोस्तों यहाँ पर adjective शब्द नहीं आया हुआ है. तो कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको रूल से हट करके आपको दिमाग से चेंज करना पड़ेगा. दोस्तों यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट देखा, लाल किला देखा कब? लास्ट मंथ को. मैं लास्ट मंथ को, पिछले महीने मैं लाल किला देखा. तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हो ना, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट मंथ. लास्ट मंथ को मैं लाल किला देखने में देखने से असफल नहीं हुआ. तो दोस्तों आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिड आई नॉट सी द रेड फोर्ट लास्ट मंथ. क्या मैं लास्ट मंथ को लाल किला नहीं देखा? इट मींस मैं लास्ट मंथ को लाल किला देखा, मैं लास्ट मंथ को लाल किला देखने से असफल नहीं हुआ. इससे हम तो मैं लाल किला को देखा. ठीक दोस्तों ना, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है. तो आज का टॉपिक बस यही एंड होता है दोस्तों. फिर हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ. तब तक मेरे चैनल साथ बने रहिए. और जैसा मैं आपसे साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें. ठीक दोस्तों ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.